नाच रहे मोदी जी के बराबर नाच रहे। मार भूल पे लगेगी ये तो हाथी पाथी भाग गया कहीं को ना कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं। साइकिल में तो भर्स होगा उसका तो उठाने वाला। अरे यार कमाल कर जाएगी 400 ना 420 जाएंगे यार। कैसी बात कर रहे हो। क्या नाम है? श्री सम्मान के साथ सम्मान हो रहा भाजपा में पूरा सम्मान है। मानो कभी मिला कहीं भी कोई कुछ भी ना। सही बात। समाजवादी में सम्मान समाज में तो बहस खोल रहे गाड़ी में था मानो मरना तो खोल हो तो हमें बता। भाई साहब अब आप पत्रकार हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो गर्म देखा। 400 ना 420 जाएंगे यार। कैसी बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो 420 ये तो सपना देख रहे हैं। कौन देख रहे सपना? ये सपा वाले क्या सपना देख रहे? सपना का हम बचाएंगे हम जाएंगे ये ना जाएंगे ये तो कहे सपा से बिल्कुल। कहाँ गए कह रहे हमारी सरकार बोला हमारी सरकार बनेगी भाजपा सरकार हमारी बनेगी और बड़े सम्मान के साथ बड़े उल्लास के साथ तो भ्रष्टाचार में गए धी बेटियों को खेचे भैसा बुग्यो खेचे क्या खेचे तो मुझे बताओ। अच्छा अच्छा क्या भैया? अरे कार 180 के नीचे रोक देंगे। अरे 180 ना 440 देखो राहुल गांधी तो पहले से मर गए उसके बाद में खोद का जो जिसका ले लिया वो कहने का हकदार है ना वो पहले कर्जा माफ करेगा। कर्जा कहा का माफ करेगा? बेईमान लोग करेगा जो कमाएगा लेगा। सही बात है। गलत हो तो बताओ। अरे जो हमने आपसे पैसे ले लिए तो देने का हक ना हमारा। सही बात है। वो कहना माफ हो बेईमानी है बेईमानी। कुर्सी मिल जाएगी हम जैसा खेचे फिर हमारे भैया कह रहे उनके कैसा जेल में हम तैयार है जेल में। भारतीय जनता पार्टी देख रहे यार कुर्ता सहरा देना पड़ा बिल्कुल एकदम बिल्कुल रंगा पड़ा भैया। आप कहने की जरूरत ना और उठा लो जान लो ये लो उठा लो झंडा उठा लिया झंडा उठा लिया ना मोहर भी वहीं लगेगी मोदी में वो मोहर भूल पे लगेगी ये तो हाथी पाथी भाग गया कहीं को ना कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं। साइकिल में तो भर्स होगा उसका तो उठाने वाला। अरे यार कमाल कर जाएगी रंगा पड़ा आदमी मालो कटाई चल रही है यमुना को छोड़ पाया छोड़ गया पब्लिक खड़ी है पब्लिक यहाँ आएगी फिर भी राज हो गया। अरे गुंडा राज होगा गुंडा तो उन्होंने करी है। साइकिल वाले मिले कौन खाचे मिले ओए साइकिल वाले इंदिरा कर्मचारी अखिलेश के साइकिल वाले सभी पार्टी को अरे यार ऐसा क्या था सबको क्या क्या था सब सरकार में ना हुई मारो मिल मिल में हमारा काली झड़ा है उसमें खूब झगड़ा हो रहा है। अब बता दो कोई कोई झगड़ा बता कोई झगड़ा नहीं हो कोई झगड़ा नहीं हो कोई झगड़ा ना 15 दिन में पेमेंट और जब 14 साल 3 साल में धरना लगा रहे हैं जब मिला और फैक्ट्री बिकने जा रही अब टाइम अब 15 फैक्ट्री बिकने जा रही काली घड़ा वाली और रंगोई की बिकते ही और उधर वो दिल्ली वाला कह दिल्ली कह रहे सबसे भ्रष्ट और बेईमान अगर कोई अनपढ़ प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ केजरीवाल दिल्ली से कह रहे हैं। वो भीतर के पढ़े हैं जी बताओ तो मैं मुझे तो पढ़े लिखे हैं वो भीतर के पढ़े हैं पढ़े लिखे हैं ना तो वो भीतर के पढ़े अनपढ़ के साथ है। अरे ईडी सीबीआई अरे ईडी बीडी सारी काम वो तो भीतर पड़े हैं वो तो अलग है बताओ। अरे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं कौन सी काय का? अरे हर आदमी को तो गैस मिल रही है घर घर टंकी मिल रही है और का जान लोगे
यार कोलता सौदा ना मिलना और बिजली मिल रही बिजली और कहीं जाए तो सौदा उचौदा को जाओ वहीं पड़ा है सामान। हाँ रामराज 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 अंबानी अडानी को फायदा पहुंचा देते हैं। एक बात मानो यार दोस्त तो कह रहे हो दोस्त कोई गलत चीज नहीं पहले अजमा को देखो दोस्त हो क्या चीज दोस्त निभाना बड़ा कठिन है। हाँ दोस्ती को इधर क्या माहौल है कहाँ अमरोहा बढ़िया अमरोहा में तो तवर सिंह निकल गए निकल गए अरे दानी सली ऐसा अरे यार ये गाने दानी सली पहले आ सकल तो दिखाई ना अरे गलत कह रहा हूँ तो बताओ मुझे ना दिखाई भैया ना दिखाई चलो सकल दिखाई आप पे जाने तैयार ना काम में पहुंचो सही हो गया पास का भटका मानो महीने को एरिया का बता देगा अगर घूमना टिकट ले लिया बन गए साहब हम बाकी खाते पीते धक्का यहाँ आयकर मिलता जाएंगे हम इनसे पिछली बार तो हरा दिया था चली नहीं अरे हरा दिया था अब तो अदलती बदलती है पर बूझ ना कोई भी वो परिस्थिति तो अरे परिस्थिति आ गए अरे हाँ अरे अब तो भैया अपना अपना है सब हाँ बैठ जाएंगे आएगा अगर कोई बात बोल नहीं होता जब हम बोल रहे तो बोले बोलो नाच रहे मोदी जी के बराबर नाच रहे इतना खुद रंगा पड़ा जहरा अरे राम राज चल रहा मेरे भैया राम राज राम राज पक्का राम राज आ गए अरे इतना ऐसे ऐसे काम हुआ है तो बता दो सपोर्ट हमारे लेकिन ये जो गठबंधन वाले इंडिया गठबंधन नहीं है तो करें यही तो मना है मानो जब जब हम तुम दोनों इन्हें एक लग उठाएंगे और जब भी ना ढेरे तैयार होने का कहने किसी को मना दो जब एक लग तैयार है तो ये चार चार भी औरंगे तो बहुत बात है। अब पानी पीओ क्या करते हैं क्या करते हैं खेती करते हैं किसान चकोरी चकोरी लोहारी चकोरी ये चकोरी हसनपुर गाँव में योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी जिंदाबाद 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 उम्र 60 साल बच्चे ना होते थे हम बोलो भारत माता की जय श्री राम जय चलो तुम ले चलो तुम ले जाओ पैसे तो दूसरा भी है दूसरा भी है हाँ इनके धोरा गए हुए अच्छा दो बार झंडा उठा दो अरे यार झंडा उठा उठा छाना उठा जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाते बहुत है अरे ये तो योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद पानी पी लो भैया एक बात मानो तुम कौन से है ना रे पत्रकार तुम्हें अब करते रहो जैसे भी है पर बात हमारी कहोगे आगे तुम्हें चलो क्या है अंकित जी माहौल क्या है अपने बेरोजगारी से लेकर मतलब महंगाई तक जो कारण है यही है दो बच्चों का रोजगार और बेरोजगारी सब लोग कम हो जाएगी तो तभी शायद मोदी जी मांग रहे आपकी बार 400 हो इस तरह के कानून बन जाना चाहिए था। एक बार बताओ हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें तो अब से कम
आप भी देख रहे हो छत्तीस बिरादरी अपने हिंदू धर्म में सभी ने लगभग काफी दिन से मतलब कई साल से पाँच सात साल से दो बच्चे कर रहे हैं आपको पता होगा ज्यादातर, लेकिन दूसरा जो ये समुदाय है ये आठ से दस बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आने वाले हिंदुओं की संख्या जो है लगातार घटती जा रही है, अपने दूसरे समुदाय की संख्या जो बढ़ती जा रही है लगातार दिन ब दिन दिक्कत हो रही है। आने वाले दिनों में होने वाला क्या बता सकते हैं? सही बात है, गलत कह रहा हूँ, एक समुदाय जो एक समुदाय जो जा रहा है। अच्छा ये बताइए आप क्या लग रहा है युवाओं का, क्या सोच रहा है युवा देश का? मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बच्चों का कानून जब अपने देश में अगर सबसे ज्यादा जरूरत हो इस कानून की जरूरत है, दो बच्चों के कानून की सबसे ज्यादा जरूरत, जो दो बच्चों के कानून की सबसे ज्यादा। दूसरी बात खड़गवंशी है, लाखों की संख्या में खड़गवंशी समाज से लोग आए हुए हैं, लाखों की संख्या में क्या नहीं चल रहा है भाजपा में, कह रहे खड़गवंशी नाराज है, कुछ ऐसी बात चल रही है? ये जो विपक्षी अफवाह फैला रहे हैं, खड़गवंशी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहा है। अच्छा, हमने महेंद्र सिंह खड़गवंशी को भारतीय जनता पार्टी के हसनपुर से उनको जो है 25-30 हजार वोटों से जिता करके भेजा है और दो बार के वो विधायक है, तो आप कैसे कह सकते हैं? क्या लग रहा है जो खड़गवंशी समाज है वो कंवर सिंह कंवर के साथ भी वैसे ही नजर आ रहा है जैसे महेंद्र सिंह खड़गवंशी के साथ है? खड़गवंशी समाज का एक ही निशान है, वो कमल का फूल। अच्छा, इसलिए सारा खड़गवंशी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब की बार 400 पार का जो नारा है क्या लग रहा है पार होता नजर आ रहा है? 100% मोदी जी की गारंटी है और ये तो देश है, पत्रकार बंधु मेरे तुम युवा साथी हो, विदेशों में मोदी जी की गारंटी चल रही है। अच्छा हाँ जी, लेकिन ये जो सामने वाले इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं वो कह रहे हैं 180 के भी पार नहीं होने देंगे और आप कह रहे हैं 400 पार हो जाए। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, ये बिल्कुल समय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश और विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश का जो झंडा बुलंद है, इसलिए पूरा समाज क्या पूरा फर्क नजर आ रहा है आपको? पुरानी सरकार है जब समाजवादी की सरकार तो किस तरह का यूपी था, किस तरह का उत्तर प्रदेश था? भाई साहब 2017 से पहले की सरकार आपने प्रदेश के अंदर देखी होगी, गुंडा राज, भ्रष्टाचार, हमारी माता बहनें अगर कॉलेज जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, तो पता नहीं उनके माँ बाप को ये रहता था कि हमारी बहन बेटियां घर सुरक्षित आएंगी या नहीं। लेकिन आज मोदी जी की और योगी जी की सरकार में किसी मवाली या गुंडे की ताकत नहीं है जो हमारी बहन बेटी की तरफ उंगली उठा दे, ये मोदी जी और योगी जी की गारंटी है। सब लोग सम्मान से जी रहे हैं, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, जमीनी स्तर पर जो है हमारे मोदी जी की जो गारंटी है उनकी योजनाओं का लाभ है वो प्रत्येक व्यक्ति के जो बिल्कुल पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठा है उस तक लाभ पहुंचने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो क्या लग रहा है जिस तरह से आज अगर हम बात करें कांग्रेस की जो परमानेंट सीटें भी होती थी अमेठी रायबरेली जैसी, हमारी बाज पहुंच चुकी है स्मृति ईरानी वहां से सांसद बन गई अमेठी से और अब वहां पर टिकट भी कांग्रेस पार्टी जारी नहीं कर पा रही है, ऐसी सीटों को लेकर आप लोग क्या इस तरह का माहौल? इन सीटों को लेकर जब कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, तभी तो वो जो अपना प्रत्याशी नहीं उपलब्ध करा पा रही है उनको डर है, क्योंकि जितने भी कांग्रेसी या सपा के नेता हैं उनकी जमानत नहीं बचने वाली है, अब की बार जमानत जब्त हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि जो अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं दे पा रहे, डर लग रहा है इनको? उनको डर लग रहा है, उनकी मान सम्मान खत्म हो रहा है, उनकी जमानत नहीं बच रही, इसलिए कोई स्मृति ईरानी के सामने जो है चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो मजबूत कैंडिडेट लग रहे, दावेदार है मजबूत, कितना भी दमदार हो उनसे ज्यादा दमदार थोड़ी हो सकता है, स्मृति ईरानी से दमदार नहीं हो सकता, अमेठी में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जी। क्या नाम है आपका? देवदत्त शर्मा। शर्मा जी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह कैंडिडेट तक नहीं अभी तक दे पाई है वहाँ पर अपना आवाज स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही है और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रही है, वो एक बार की सांसद है, मौजूदा सांसद। तो राहुल गांधी का तो कांग्रेस पार्टी का तो गढ़ बताया जाता है? गढ़ से मतलब नहीं होता, उन्होंने काम किया है वहाँ पर, काम से मतलब काम बोलता हूँ। क्या लगता है क्या किस तरह से स्मृति जी वहाँ पर अपने आप को साबित कर पाए? उन्होंने वहाँ पर डेवलप किया है, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, तो अपने विकास कदम पर वहाँ पर चुनाव लड़ रही है और 100% काफी अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं।
तो लग रहा है कांग्रेस का फिर से साफ हो गया, बिल्कुल सफाया सफाया है।